बिग बिग हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम समीर गंदे है और आई एम हिस्ट्री फैकल्टी इंदौर उत्कर्ष। अब आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। पहले तो आई होप आप सबने इस साल की दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई होगी, पर आपको ये भी रियलाइजेशन होगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट जो है दिसंबर में आने वाली है। आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। और अब इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक, अब आपने मेरे पीछे जो थंबनेल है उसको देखा होगा, उस पर लिखा है हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स। अब ये सबका ही सवाल है ना, हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स। पर यार देखो, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही कोई जादू का पोशन है जो मैं आपको दे दूँ और आप जो है प्रीलिम्स में हाई स्कोर कर जाएं। उसके नीचे छोटी राइटिंग में एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक मैं हट जाता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाएं। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है द नोन बट इग्नोर्ड फैक्ट। ठीक है, द नोन बट इग्नोर्ड फैक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स में स्कोर हाई करने का जो तरीका है वो मनी मन सबको पता होता है, बट प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो आज मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके आया हूँ आपके लिए कि कैसे आप प्रीलिम्स में हाई स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो कुछ बहुत बेसिक मिस्टेक्स नहीं करते। अब इसमें देखो एक अजम्पशन यहाँ पर है पक्का कि आपने पढ़ाई की है, आपने सीरियसली पढ़ाई की है। जिसने सीरियसली पढ़ाई नहीं की है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनका तो नंबर कहीं लगने वाला ही नहीं है। ठीक है, ऐसा किस्मत वाला मैंने कोई नहीं देखा आज तक जो तुक्के लगाए और सिलेक्ट हो जाए। क्लियर? तो ये उन लोगों के लिए जो सीरियसली पढ़ाई तो करते हैं बट कुछ ना कुछ कमी रह जाती है ना। तो वो कमियां क्या है उनको एक पॉइंट आउट करना जरूरी है। मनी मन आपको ये कमियां पता होंगी, जो लोग पहले प्रीलिम्स दे चुके होंगे उन्होंने ये फेस भी किया होगा। बट ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जो नोन हैं पर हम जो है कभी उसको कर नहीं पाते? देखो पढ़ाई तो ऑब्वियसली अपनी जगह है, पढ़ाई तो भगवान है, पढ़ाई के बिना तो ये चर्चा आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे का जो 1 महीने का समय बचा है उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग गलत कर जाते हैं एग्ज़ाम के दिन। वो खूब अच्छे से पढ़ते हैं बट उस दिन उनसे कुछ बहुत बेसिक मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं एक सबसे पहले तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द नॉर्मल कट ऑफ एंड हाउ मच पीपल हु आर नॉट सिलेक्टेड स्कोर। इसका मतलब ये है नॉर्मल कट ऑफ कितना रहता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं वो कितना स्कोर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो कट ऑफ रहता है वो 75 to 80 के बीच में रहा है पिछले कई सालों से। जो एग्जाम का पैटर्न हमने देखा है तो कई बार एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़े वियर्ड से क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें, कई बार एग्जाम थोड़ा इजी आ जाता है, बट कट ऑफ रेंज जो है वो 75 और 80 के बीच में कहीं ना कहीं रहती है। अब दूसरा सवाल था कि भाई जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग कितना स्कोर करते हैं। तो देखो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है ना पढ़ने के बाद, है ना, अगेन अजम्पशन क्या है कि आप पढ़ने के बाद एग्जाम देने गए थे, अच्छा खासा पढ़ने के बाद भी जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनके नंबर कट ऑफ से बहुत कम नहीं आते। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी साल कट ऑफ गया 76, तो जो सिलेक्ट नहीं होते हैं पढ़ने वाले लोग किसी के 74 आएंगे, किसी के 75 आएंगे, ये सबसे बदकिस्मत रहेंगे, किसी के 73 आ जाएंगे। तो मतलब अगर 76 कट ऑफ गया है तो जो ना मतलब जो नहीं सिलेक्ट हो पाए उनका 71 से लेकर 75 तक स्कोर की रेंज रहेगी। अब ये स्कोर अच्छा बुरा, ये ऑब्वियसली बुरा ही हुआ। क्यों? क्योंकि अच्छा स्कोर तो ये था ना इसके, ये और इसके ऊपर। तो जिसके 76 से ऊपर आ गए या 76 और उसके ऊपर आ गए, है ना, और जिसके 71 से 75 के बीच में आए उनके पढ़ाई में कुछ ज्यादा गैप नहीं था, उन्होंने एक जैसी किताबें पढ़ी, एक जैसा रिवीजन किया। क्लियर? पर फिर क्या कमी थी? देखो मैं सिंपल बात बताऊं, उन्होंने एग्जाम के दिन पर कुछ बेसिक मिस्टेक्स की और ये मिस्टेक पढ़ाई से ज़्यादा मेंटल होती हैं। तो आज अपन इन्हीं के बारे में एक ब्रीफ चर्चा करने वाले हैं। मैं कुछ गलतियाँ पॉइंट आउट करने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। ठीक, मैंने भी किए होंगे किसी दिन, पर
मैं ये नहीं कहता कि, और पर उन्होंने गलतियों से सीखा और वही गलतियां मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये गलतियां नोट डाउन कर लें एक पेज पे, और ध्यान रहे कि हमें ये गलतियां किसी भी हालत में नहीं करनी है। इसमें से कुछ मिस्टेक्स तो ऐसी है जिसमें आपको हंसी भी आ जाएगी। चलिए भाई ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम, कॉमन मिस्टेक्स यहां लिखी है, हाउ टू अवॉइड देम मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक है गेटिंग नर्वस वाइल फिलिंग द एग्जाम शीट। ठीक है, तो देखिए जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें आपको साइन करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, तो कई बार लोग है ना उस एग्जाम की घबराहट में कुछ गलत कर जाते हैं। कईयों का तो बेचारों का पेपर ही रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार वो गलत जगह साइन कर देते हैं, फिर और उससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखें है ना, एक बेसिक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी आपका एग्जाम का सेंटर हो उस पर समय से पहले पहुंचे, क्योंकि एमपीपीएससी में आपको बताया कि जूते भी पहनना अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं, वो भी अलाउड नहीं है, तो नो डाउट एग्जाम का दिन स्ट्रेसफुल होता है। सेंटर को एक दिन पहले से आप देख के रखें, ठीक है, सेंटर को एक दिन पहले से आप देख के रखें। और अब मतलब अगर आप जानते हैं सेंटर को, आपके शहर में आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता है तो अच्छी बात है, पर अगर आपको कोई ऐसा सेंटर मिला है जहाँ पर आप कहीं गए नहीं है पहले, आपको नहीं पता कि वो क्या है, तो एक दिन पहले से देख के रखें जिससे आपको रास्ता पता हो। उस दिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। तो जब आप अच्छा एग्जाम दे रहे होंगे तभी बीच में वो साइन वाइन करने लेने आ जाते हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम शीट है इसको एकदम इत्मीनान से भरना है। दो मिनट के लिए आप जो पेपर कर रहे हैं दो मिनट के लिए उसको भूल जाएं और अपना पूरा फोकस अब एग्जाम शीट पे आ जाए, क्योंकि वही एग्जाम शीट हमें एलिजिबल बनाएगी हमारे पेपर को, ओएमआर को, मशीन में जाने के लिए। तो सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि भाई इसी में कुछ गड़बड़ कर देते हैं और उससे और स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ध्यान रहे हमें उस दिन स्ट्रेस फ्री रहना है, क्लियर। अब दूसरा जो है वो बहुत मैंने कई बार देखा है, ठीक है, कि लोग जो है ओएमआर शीट को पंक्चर कर देते हैं। भाई अब तो ये तो हंसने वाली बात हो गई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे जिनके बेंच में, ठीक है, बेंच में गैप था, वो ओएमआर शीट उस गैप में थी और जब वो ओएमआर भरने गए तो वहीं पर पूरा उस ओएमआर में ही छेद हो गया। ठीक है, तो अपने 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 इन्वायरमेंट को देख लें, आपकी बेंच कैसी है, आपकी टेबल कैसी है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको बदलने के लिए बोलें, पर ध्यान रखें कि आपकी ओएमआर आपकी बेंच की वजह से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप मानेंगे नहीं, आपको भले ही हो सकता है हंसी आ रही हो, बोल रहे हो क्या बोल रहा है, पर ऐसा होता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए ध्यान रहें कि आपकी टेबल जिस पे आप बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा हिल ना रही हो, उसमें बहुत छेद ना हो, गैप्स ना हो, अगर हैं तो चेंज करने के लिए बोलिए, और नहीं चेंज हो पाई तो ध्यान रखें कि आप उस गैप पर किसी भी तरह का अपनी ओएमआर शीट को ना रखें, क्लियर। तो ये दूसरी बात हो गई। अब एक बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है फिलिंग द ओएमआर शीट वेरी लेट, ध्यान रखना। देखो भाई जीएस के पेपर में बहुत समय मिलता है, फिर भी कई लोग जो है पहले अपना काफ़ी समय ऑलमोस्ट डेढ़ एक घंटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है उनके पास बचता है आधा घंटा, अब उन्हें फिल करनी होती है ओएमआर शीट में अपने आंसर, मतलब गोले भरने होते हैं, तो जैसे जैसे समय कम होता जाता है वो लोग नर्वस हो जाते हैं, स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, और कई बार में ऐसा होता है कि इस टाइम की कमी की वजह से गलत आंसर भरा जाता है। मतलब आपने सही लगाया है अपने क्वेश्चन पेपर में, सही मार्क किया ए, बहुत इजी क्वेश्चन आया, बात समझ में आई ना, आपने ए लगाया बिल्कुल सही है, पर बाद में ओएमआर शीट फिल करने की जल्दबाजी में आपने क्या किया, उस ए को भी भरा। आपको विश्वास नहीं होगा ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, और आपके एक नंबर गया इसमें, सोचो जिसके एक नंबर कम आए कट ऑफ से उसको कितना बुरा लग रहा होगा, तो आपको ये नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, मेरे हिसाब से पर्सनली मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसके दो ऑप्शन है, या तो आप अपने दिमाग में रखें कि ये पेपर एक घंटे में सॉल्व करना है और अगला एक घंटा मुझे ओएमआर शीट फिल करने में लगाना है, ठीक है, क्योंकि जीएस के पेपर में इतना समय लगता नहीं है, तो एक घंटा स्ट्रेस फ्री तरीके से आप ओएमआर को फिल कीजिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए आपने क्या मार्क किया था क्वेश्चन पेपर में और आप ओएमआर में क्या फिल कर रहे हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है, दो तीन नंबर यहाँ वहाँ हो जाते हैं लोगों के इसमें,
ठीक है। दूसरा एक तरीका है कि आप जो है जो श्योर शॉट क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको पता ही है जैसे 100 क्वेश्चन आए 50 आपको श्योर शॉट है उसमें से कि ये तो है ही सही, और जनरली होते हैं पीएससी में 50-60 क्वेश्चन आर वेरी इजी, आप वो भर लें ऑन द स्पॉट। आपने देखा ए का ये है ना, आपने वो बार में भर लिया, इससे आपका आधा स्ट्रेस दूर हो गया। अब जो आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चन इसमें आपको थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको आराम से बाद में भरिए। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, लिख लें, नोट डाउन कर लें, क्लियर। फिर डू नॉट सर्कल द रॉन्ग ऑप्शन इन द ओएमआर, डू नॉट फिल, ये वापस मैंने वही बात कही, आपको पता है कि इसका आंसर ए है, आपने उसमें बी लगा दिया, आप कुछ सोचने लगे 2 मिनट के लिए और उसका आंसर लग गया बी, वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। ये मिस्टेक आप करेंगे, अगर एक दो ऐसी मिस्टेक हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके कट ऑफ से 2 नंबर कम हो गए सपोज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ओएमआर को सर्कल एकदम सही करना है, एकदम शांति से करना है। एक बहुत बड़ी बात है जो अंडर एस्टिमेटेड की जाती है, वो है ओएमआर में अपना रोल नंबर रॉन्ग तरीके से भरना। कई लोगों की शीट रिजेक्ट हो जाती है इस चक्कर में, जो स्ट्रेस में आते हैं ना, जो एग्जाम सेंटर में लेट आ रहे हैं, जिनको क्लासरूम नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनके साथ ऐसा होता है। तो जब आप रोल नंबर भरते हैं तो बहुत ज़्यादा इत्मीनान से भरेंगे, आपको लगेगा कि यार ये सब तो हम करते ही नहीं, हो सकता नहीं करते हो, बट उस दिन क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। आपने कई सारी FLTs दी होंगी, उसमें रोल नंबर भरा होगा, अच्छे से भरा होगा, पर वो उस दिन की महत्व है, इम्पॉर्टेंस उस दिन का है, तो ये बात ध्यान रखें। और पांचवा है रीचिंग द एग्जाम सेंटर वेरी लेट, आपका जो टाइम है उसे 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पर होने चाहिए, इससे आपके जो माइंड में स्ट्रेस बिल्ड नहीं होगा। देखिए सबका जो सार है वो ये है कि यू शुड बी स्ट्रेस फ्री ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस की चिंता होनी चाहिए कि ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्लियर। और अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, शिद्दत से रिवीजन किया है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी और आपका सिलेक्शन होगा, क्लियर, आपका सिलेक्शन होगा। प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ठीक है। और लास्ट में इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि भाई जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, आते हुए क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट मुझसे आके बोलते हैं सर वो आ रहा था क्वेश्चन, हमने देखा भी था, हमारे नोट्स में भी था, पर पता नहीं क्यों हम गलत कराए। भाई पता नहीं तो फिर किसको पता है ना, आप ही को पता है ना। तो ऐसा कई बार होता है कि आते हुए क्वेश्चन को हम पता नहीं उस समय क्या सोचते हैं 2 मिनट के लिए, और हम उसको गलत मार्क करके आते हैं। तो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स। तो ध्यान रहे जो बात अभी मैंने बोली, 76 और उससे ज्यादा लाने वाले में और 75-74 लाने वाले में इन्हीं फैक्टर्स का अंतर होता है। तो दिस इज द मेथड टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स, ठीक है। इस चेकलिस्ट को फॉलो कीजिए, यू विल नॉट फेल इन द एग्जाम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से और उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से कि आपको पढ़ाई के अलावा हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो भी बता सकें। ये सब प्रैक्टिकल मैटर्स हैं, पढ़ाई तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा स्टडी इज गॉड, पर उसके अलावा ये इश्यूज भी अपने को उस दिन ध्यान रखने हैं। तो आई होप आपको ये एडवाइस अच्छी लगी, इसको फॉलो करें। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो आई होप आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई, पर अब वापस पढ़ाई में लग जाएंगे, अगले महीने एग्जाम है, ठीक है। 10-15 नवंबर हम लोग हमारा दिवाली महोत्सव मना रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस में, और अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आखिरी 3 दिन शेष हैं। किस चीज के लिए? हमारे दिवाली धमाका ऑफर के लिए। इस दिवाली धमाका ऑफर में आपको अप टू 90% ऑफ मिल सकता है हमारे सारे कोर्सेज पर, ऐप कोर्सेज पर, ऑलराइट। उसके अलावा आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इन दिनों में 15 नवंबर तक सब्सक्राइब करते हैं तो 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको किस जो भी कोर्स आप ले रहे हैं उस पर मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा है ना, चाहे आप रिविजन कर रहे हो, चाहे आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज से अपनी स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हो, तो 15 नवंबर तक का समय है, ठीक।
तो प्लीज़ डाउनलोड दी उत्कर्ष ऐप, आप एक्सप्लोर करें उसे एंड डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस दिवाली धमाका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।